नाजिर पता है मुझे बहुत मैं अजीब सा लग रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बन गया घूमना पड़ रहा है क्योंकि मेरा शूट है आज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देख रहे हैं मुझे बहुत ही अजीब सा, मैं बन के घूम रहा हूँ क्योंकि एक प्रोमो शूट था, उसके लिए बनना पड़ता है। उन्होंने रात के बज रहे 5 और मैंने लगा हुआ ब्लैक कलर का चश्मा, सारी हवा मुझे देख रही है, बोली कौन जोकर ये घूम रहा है। और मेरे साथ मौजूद है शरू और गुंजी और सामा, और मेरे साथ हर कोई बार नया बंदा होता है लेकिन ये बंदा हमेशा रहेगा, और एक और बंदा ही शूट चल रहा है। तो एक हमारा प्रोमो शूट था, उसके लिए हम लोग आए हुए थे, रात में 5 बज रहे हैं इस टाइम पर, आवाम हमें ऐसे देख रही है, और हम तो बने हुए भी जोकर हैं। मैं सॉरी जी भाई, आप कुछ बोलेंगे ऐसे? यार मैं बस ये बोलूँगा कि हर चीज़ें बहुत मेहनत लगती है, और जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं ये भी बहुत मुश्किल है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। कोई भी शॉट हो कुछ भी हो, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, और इस शॉट को निकालने के लिए हम लोग पिछले 6 घंटे से वेट कर रहे हैं। बिल्कुल 6 घंटे से हम वेट कर रहे हैं सिर्फ इस लाइट के लिए कि ये लाइट हमें मिले। अभी फाइनल लाइट मिल गई तो हम आगे इस पर काम कर रहे हैं। बाकी 2 घंटे मेरे बालों में मुझी ने यू नो दैट लगाए हैं, सही नहीं होके दे रहे भाई, ऐसे कसम खुदा की चूना बाल है, बाल सही हो गए थे। ये बंदी की आदत पता क्या है, ये बार बार इसलिए बाल खराब हो। बाकी मोहित भाई जो है हमारा शूट कर रहे हैं, उसामा है हमारे साथ, शरोज है, और बाकी 2 बंदे जो टोपी वो चले गए, उनको आपको मिलवाएंगे अभी आ जाए शायद, अगर आएंगे तो मिलवाएंगे वरना नहीं मिलवाएंगे। ओके अभी जो है हम लोग शूट वगैरह लिमटा के हम लोग जाएंगे नाश्ता करने, मैं तो वो कराऊंगा आज हलवा पूरी का नाश्ता। हलवा पूरी मैं नहीं खाता, जब ही तो करा रहा हूँ। चलो मैं अभी तुम लोग को नाश्ता करा, मैं दीवार से लगा रहा हूँ। ये सस्ते अक्षय कुमार पाए गए हैं हम। चल रहा है, अभी शूट खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर्स वगैरह चल रही है, तो हमने बोला यार क्यों ना जब एक बार आए शूट करने, तो काफ़ी टाइम हो गया था शूट वगैरह नहीं करिए, बोले यार शूट भी कर लेते हैं। और ये जो प्रोमो शूट हो रहा है ना, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, बल्कि बताऊंगा नहीं डायरेक्ट दिखाऊंगा कि चलेगा कब, तो जब तक वेट करें आप लोग। और अभी जब हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं उसके बाद मिलते हैं, बहुत सारी तफरियाँ चलती रहती हैं हमारी ज़िंदगियों में, काम चलते रहते हैं। तो भाई अभी मेरे साथ मौजूद है आंचरूस भाई, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जब्बा जब्बा मुझी मुझे ये मुझी बहुत अच्छा मेरा भाई है, ये कसम से ये मेरा मेरे साथ ही रहता है, सही है? तो अभी जो है खाना में जा रहा है नाश्ता करवाने, सही है ना? चलो अबे अबे क्या कर दिया मसला बन गया था, देखो मैं नाश्ते कैसे आया था। और ये देखें जिंदगी में इनके इतने फॉलोवर थे, पिक्चर कब से खिंचवाए जा रहे हैं ये लोग, और ये हमारे तस्वीर जितनी भी खिंचवा लेना उसामा रिश्ते के लिए पासपोर्ट वाली भी भेजेगा। वो नहीं होता टाई लगाई होती अलग तक बांधी होती है कुछ, और वो भाड़े का सूट लेके खड़े हुए। आई एम अ वर्सेटाइल बॉय लुकिंग फॉर अ वर्सेटाइल गर्ल हु कैन कुक। पूरी चढ़ गई ये फाद भाई ने पूरी रात, पूरी रात जिसको मैंने बोला था ना मिलवाऊंगा वो ये शका से। और ऐसे भी लोग होते जो अपने बायो में लिखते हैं आई वांट अ गर्ल हु कॉक, तो राटे काट रही है ओम थो क्लियर फीमेल ना बोलते ओए पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। वेल डन भाई, ये वो शख्स है जो पूरी रात मैच खेलने के बाद पिक्चर्स ले रहा है। 5 आईफोन भाई उसामा नाश्ता करवा रहे हो? यार हाँ यार प्रेशर पे कौन कौन खाएगा इस हिसाब से, मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बम्बई, तो मैं तुम्हें रात खाना करवा दिया ठीक है? खाने का काट आ गया देख ले, अगर किसी को बुकिंग चाहिए तो ये करा ले। लाओ बेटा कार्ड नहीं फेंकना, पूरा बिजनेस चला रहा है और नाश्ता नहीं हो पा रहा इससे। तो भाई हम लोग आ चुके थे नाश्ता करने, लेकिन मैं बनाना भूल गया था व्लॉग, और हमारे हो चुके पराठे का ना, हमने फिर से ऑर्डर किया है, मन कसम खुदा की इतनी भूख लग रही है ना, मैं रात से कुछ नहीं खाया हुआ। मोहित मेरे पास आ गया था 12 बजे रात में, और मैं था बाहर, तो मुझे आके कॉल करी, बोला कहा भाई काम वाम नहीं करना क्या? मैं आए, फिर हम लोगों ने बहुत वेट किया,
और आज तो फाद ने भी टोपी करा दी थी। फाद ने ऐसी टोपी कराई है इसको, अब 1 करोड़ का बैग पीछे पड़ा हुआ ना और एक तरफ क्रिकेट चल रहा हो, ये वहाँ भागेगा। लव है ना क्रिकेट यार। आज ये सामान ने साथ दे दिया, लेकिन इसने एक जगह टोपी करा दी थी, कराई थी ना सामान। ठीक है, मैं गया सलून पे, इस बंदे ने मुझे कहा कि तुम बैठो, मैं 5 मिनट में घर से आ रहा हूँ खाना खा के। लेकिन ये जो गया है 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बंदा गायब। फिर हमने मारा इसको इग्नोर, क्या कर रहे हो गंदी यार। भाई नाश्ता वगैरह हो चुका है, अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। सामा है, मुईज है, फहद है। फहद तुम जा रहे हो? फहद जा रहा है क्योंकि इसने पूरी रात क्रिकेट खेली है और इसको अभी घर जाना है। मेहनत करी है भाई, मेहनत देख रहे हैं, क्रिकेट खेली है, मेहनत करी है, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, डेटा वेटा कॉपी करना है। उसके बाद मुईज भी जाएगा, काफ़ी रात से आया हुआ है। और फिर उसामा तो मेरे साथ ही हुआ क्योंकि हमें दोपहर में एक इवेंट में जाना है, तो वहाँ मिलता है। अल्लाह हाफिज़। भाई इवेंट में आ चुके हैं हम लोग और अभी देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। अभी मैं पहुँचा हूँ क्योंकि मैं सो गया था दोपहर में, 3 ही हुआ है मेरे साथ, बंद हो गया। मुझे बुलाया था दोपहर में 3 बजे और अभी बज रहे हैं रात के 8। और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, मेरी डॉक्टर वगैरह रहे, लेकिन उन्होंने यार आप बहुत लेट हो चुके हैं। पूरा इवेंट जो है वो ख़त्म होने के बाद मैं एंड में आया हूँ। और सीन देखें आप, क्योंकि सुबह मैं था शूट पे, आपके सामने शूट वगैरह चली थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको छोड़ नहीं सकता। तो बस यहाँ पे इवेंट ख़त्म हो गया, यहाँ पे व्लॉग बनाने का कोई चांस बचा नहीं है, और कोई लाइन हमारे पास है नहीं जो हम यहाँ पे कर सके। तो अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ, वो देखते हैं, फिर व्लॉग को एंड करते हैं। और बस यहाँ पे आगे एक नाम से बड़ा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि बहुत देर में आए यहाँ के जो जिन्होंने इवेंट करवाया, ये उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत लेट हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अब, क्योंकि इवेंट ख़त्म हुए हुए भी 1.5 घंटा हो चुका है।